बैकग्राउंड में जो पूरी मेरी टीम थी वो एक टीम की तरह जुटे रहे और वो हर कदम पे मेरे साथ थे और हर चीज़ को सबने मिलकर बखूबी निभाया, तभी ये काम सक्सेसफुल हो पाया था। हम लोगों को पता था कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, तो हम अपने ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंगली वैसे ही वर्कआउट कर रहे थे और वैसे ही अपना सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे थे। सर है प्लान्ड एवरीथिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे याद है इन्होंने 2-3 कंटिन्यूसली स्लीपलेस नाइट इन्होंने काम किया है। एक्चुअली मेहनत जो है बेसिक वाला मेहनत वो तो एवरीबडी सो, लेकिन जो पहले से सर मेहनत कर रहे हैं लाइक ही स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। एक मूवमेंट आया था जहाँ मुझे संतोष सर को देख के लग रहा था कि अब ये थोड़ी से टूट रहे हैं। यकीन था सर के ऊपर कि ये सर जरूर अचीव करेंगे। हम चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स बहुत फोकस्ड रहे और जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दे। जोहार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नतीजों को तो लोग अक्सर पुरस्कार देते हैं लेकिन कोशिशों को कोई नहीं पूछता। हम सभी जानते हैं कि सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा के संतोष सर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 21 जनवरी सुबह से 23 जनवरी सुबह तक लगातार जावा का प्रोग्रामिंग क्लास लेकर, लेकिन इसमें उनके साथ कौन कौन थे? ऐसा नहीं कि संतोष सर ने अकेले इस उपलब्धि को हासिल किया है, उनको बहुत लोगों ने साथ दिया, उनमें एक सकारात्मकता लाई कि हाँ ये आप कर सकते हैं। आज हम आए हुए सेंट जेवियर्स स्कूल वैसे ही लोगों से मिलने जिन्होंने इस पूरे मिशन में संतोष सर का साथ दिया और शायद उनके बिना ये मिशन को अचीव करना बहुत मुश्किल होता। आइए बात करते हैं संतोष सर से और उनके साथी जो थ्रू आउट इनके साथ रहे थे। सर, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया, हमें पूरा विश्वास है कि आपको किसी ने ज़रूर इसमें बहुत साथ दिया होगा। क्या आप हमें बताएंगे आपके साथ इस मुहिम में कौन कौन थे? इस मुहिम में मेरे साथ मेरे कलीग्स जो कि एक टीम की तरह मेरे साथ जुड़े हुए थे। जैसे ही मैंने सभी टीचर्स को अपने वहाँ पे और अपने स्टूडेंट्स को और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने बताया था तो सभी काफ़ी उत्साहित थे और उन्होंने ये कहा था कि हम सर आपके साथ हैं, आपके इस मिशन में हम आपके साथ हैं। और सही में ये मुझे एक अच्छा सहयोग मिला अपने सारे कलीग्स का, जो मेरे सेंट जेवियर्स स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं उन सबका काफ़ी सहयोग मिला। और क्योंकि मैं तो पढ़ाने में बिजी था तो मेरे बैकग्राउंड में जो पूरी मेरी टीम थी वो एक टीम की तरह जुटे रहे और वो हर कदम पे मेरे साथ थे और हर चीज़ को सबने मिलकर बखूबी निभाया, तभी ये काम सक्सेसफुल हो पाया था। आइए हम बात करते हैं, यहाँ जो सर ने बताया उनके कलीग ने बहुत साथ दिया, तो उनके कलीग से बात करते हैं कि उन्हें कैसा लगा उस दिन, उन्होंने कैसे साथ दिया। मैम, जब हम यहाँ आए थे हमने देखा था आप थ्रू आउट खड़े रहते थे, थ्रू आउट दौड़ते रही हमने आपको देखा था, तो आपने कैसे पूरा ये 2 दिन मैनेज किया 48 आवर्स? ये बहुत ही आसान था क्योंकि हर चीज़ इतना प्री प्लान्ड और हर चीज़ चॉक्ड आउट था कि हम लोगों को पता था कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, तो हम अपने ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंगली वैसे ही वर्कआउट कर रहे थे और वैसे ही अपना सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे थे। मैम, आपको भी हमने देखा था, आप भी थ्रू आउट खड़े रहते थे, मेरे को लगता है आप स्टूडेंट्स पे बहुत ध्यान दे रहे थे शायद, तो और शायद टाइमर्स पे भी, तो आपने कैसे उन्हें कैसे मैनेज किया? खासकर आज के डेट में स्टूडेंट्स को मैनेज करना तो आसान नहीं होता है, तो उन्हें कि रात में जागना है, क्लास करना है, उसके लिए कैसे आपने तैयार किया? रात में तो हम नहीं थे, हम दिन में यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स बहुत फोकस्ड रहे और जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दे ताकि सर का टीचिंग प्रोसेस भी नहीं रुके एंड बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाए। मैम, क्या आप हमें बताएंगे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आपको किस तरह की कठिनाई महसूस हुई उस अपनी जिम्मेदारी को निभाने में? कठिनाई तो नहीं कुछ हुई, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी था सम ऑफ द जो भी आ रहे थे हमारे गेस्ट, हमारे विटनेसेस, उन्हें देखना था, उन्हें उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे एंड बिकॉज सर है प्लान्ड एवरीथिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वी जस्ट कॉल द विटनेसेस, उन्हें बुलाया, उनसे बातें की एंड दे वर वेरी कन्वीनियंट कि उन लोग आके आराम से बैठे, उन्होंने काम किया, तो इट वॉज ऑल चॉक्ड आउट एंड डन। हमने देखा था आप एक माध्यम बने हुए थे, आप सर की बातें दूसरों तक पहुंचा रहे थे, यहाँ तक कि जब शुरू भी हुआ था उस दिन आपने ही एक तरह से शुरू किया था और जिस दिन सर ने वो मुकाम हासिल कर लिया उस दिन आपने ही सबको बताया कि क्या हुआ, तो आपको कैसा लगा जब सर ने ये मुकाम हासिल कर लिया? बहुत अच्छा लगा सर। एक्चुअली मेहनत जो है बेसिक वाला मेहनत वो तो एवरीबडी सो, लेकिन जो पहले से सर मेहनत कर रहे हैं लाइक ही स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो आई हैव सीन हिम स्ट्रगल, तो वो स्ट्रगल का पार्ट आई हैव बीन। और बहुत बार ऐसा भी हो रहा था कि सर को लग रहा था, मतलब व्हेन ही वाज चॉकिंग आउट थिंग्स कि क्या चाहिए, क्या क्या चीज़
प्लानिंग करना होगा. और जैसे बोला जाता है वेल बिगन हाफ डन होता है, तो ही हैड बिगन इट वेरी वेल. सबका जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी अच्छी तरह से सबको पता था, जैसे कि बाकी लोगों ने कहा कि सबको क्या करना है, वो क्लियर कट सर प्लान करके रखे हुए थे. और वो हम लोग को बहुत टाइम टू टाइम मीटिंग, आप भी उस मीटिंग के पार्ट थे, तो वो मीटिंग्स में बताया गया था कि किसको क्या करना होगा, कैसे होगा. सबसे बड़ा स्ट्रगल वाला पार्ट था सर का जुलाई से नवंबर वाला पार्ट. तो सर लाइक येस्टरडे वी वर जोकिंग अबाउट इट कि लाइन बाय लाइन मतलब किस तरह से मेल्स आ रहे थे, किस तरह से क्या क्या चीज़ सर ने प्लान किया. तो वो एक पार्ट था जो कि एक्चुअली क्रूशियल टाइम था सर के लिए. लेटर ऑन व्हेन ही हैड प्लान्ड कि क्या क्या करना है, तब ही वाज सॉर्टेड कि ये है. तो जैसा कि आपने देखा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, वही हुआ. सर, आपको कभी एक बार भी ऐसा लगा था, 48 घंटे क्लास लेना आसान नहीं होता है, तो आपको कभी एक बार भी ऐसा लगा था उस 48 घंटे के दौरान कि शायद सर ये ना कर पाए? नहीं, शायद ना कर पाए ऐसा तो नहीं लगा था, लेकिन हाँ एक मोमेंट आया था जहाँ मुझे संतोष सर को देख के लग रहा था कि अब ये थोड़े से टूट रहे हैं. एंड एट दैट टाइम वी बिकम लिटिल बिट वरीड अबाउट इट, क्योंकि इनका जो टारगेट था 24 अर्लियर टारगेट था, इनको जो टारगेट दिया था 30 to 36, तो ही हैज़ अचीव दैट माइलस्टोन. एंड आफ्टर दैट ही वॉज लिटिल बिट, बट ही हैज़ सीन द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देन ही हैज़ सीन द वॉट वी हैव वर्किंग डे एंड नाइट, हम लोग काम कर रहे हैं उनके पीछे. तो हम शायद इनको कहीं से वो मोटिवेशनल एक पुल आया, एक फोर्स आई है, जिससे उसके बाद वो फिर ऐसा लगा कि वो फिर 48 नहीं, वो शायद वो 60 भी पहुंचा सकते हैं उसको. तो ये लेकिन वो एक मूवमेंट था जो मैंने भी देखा था, संतोष सर मैंने फील किया था, बट सम हाउ ही हैज़ क्रॉस्ड इट. मेरे को याद है सर से हम लोगों ने पूछा था 48 घंटे क्लास लेने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि अब तो लग रहा है कि 60 घंटे करना चाहिए था. 48 घंटे सर ने क्लास लिया, आप लोग पे भी किसी ना किसी तरीके से, कहीं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप लोग भी परेशान थे, तो कैसा लगा उस ख़त्म करने के बाद? क्या आप लोगों ने आराम किया या फिर वापस अपने काम में लग गए? हम लोग पहले से ही काम में थे कि सर अब ये अचीव करेंगे, टारगेट होगा, और हम लोग पहले से जानते थे कि हाँ ये अचीव ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से सर प्लान आउट किए थे, हम लोग सब उनके साथ थे, तो हम लोग को ये यकीन था सर के ऊपर कि ये सर ज़रूर अचीव करेंगे. और जैसे ही सर ने ये अचीव किया, तो ये तो एक सेलिब्रेशन का माहौल हो गया हर जगह कि ये अब हो चुका है. और हम लोग अब पहले से ही ये कंफर्म है, पता है कि अब जल्दी ही सर को कंफर्मेशन मिलेगा और हम लोग फिर से सेलिब्रेट करेंगे इसका. थैंक यू. डेफिनेटली करेंगे. आप लोग शुरू से ही सर के साथ जुड़े हुए हैं, जब से सर ने ये प्रयास शुरू किया, 48 घंटे सर ने क्लास ले लिया, आप लोग वहाँ पर थे, उसके बाद आपको मतलब डेफिनेटली एक खुशी हुई होगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन कैसा लगा? एक जो सोच आती है ना कि सर ने कुछ हासिल किया, तो सर ने तो किया, उसके सिवा कुछ लगा क्या? जिस दिन मैंने ये जाना कि सर ने ऐसा कुछ ठाना है करने के लिए, आई थिंक वॉन्टेड टू शेयर वन स्टोरी अबाउट हिम, कि जब हम साथ काम कर रहे थे बुक के लिए, तो मुझे याद है इन्होंने 2-3 कंटिन्यूसली स्लीपलेस नाइट इन्होंने काम किया है. तो उस टाइम पे आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि ये कर लेंगे, बट जिनको भी मैं बताती थी कि इनका ऐसा टारगेट है, तो एवरी वन वॉज़ लाइक 48 आवर्स एंड दैट टू कंटिन्यूस नाइट ऑल्सो ही वॉज गोइंग टू टीच. तो आई वॉज़ लाइक ओके हो जाएगा, क्योंकि मैंने काम किया है. और जब ये कम्प्लीट हुआ तो इससे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि सर का तो नाम हो रहा है, इनके साथ हमारे स्कूल, हमारे स्टेट, हमारे देश का भी नाम बहुत आ गया. एंड आई होप कि आगे इनको और भी जगह से बुलावा आए देश को रिप्रेजेंट करने के लिए. ये सबसे बड़ी बात होगी हमारे स्कूल के लिए. तो आप ये कहना चाह रही हैं कि सर ने सिर्फ अपना तो एक रिकॉर्ड बनाया ही, उसके सिवा उन्होंने तिरंगे को भी कहीं ना कहीं ऊंचा किया. तिरंगा तो इनके कारण बहुत ही ऊंचा हुआ है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन्हें उस चीज़ के लिए भी रिप्रेजेंट करने को बुलाया जाए कि इन्होंने एक ऐसा काम किया है जिससे सिर्फ स्कूल इनका या सिर्फ एक झारखंड स्टेट का नाम नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम बहुत ऊंचा हुआ है. दैट इज़ वेरी 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 व्हाट वी से प्राउड मोमेंट फॉर अस. ऐसे तो सर के इस मिशन में उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने साथ दिया था, लेकिन शायद हम स्कूल में आज छुट्टी के बाद आए हैं, इसलिए स्टूडेंट्स जा चुके हैं. हमें सिर्फ 2 स्टूडेंट्स मिले हैं, और वो हैं भूमि और तनुश्री. तनुश्री, आपको कैसा लगा जब आपके सर ने इतना बड़ा कुछ हासिल किया? We were really proud of him. मतलब बहुत अच्छा लगा था कि सर ने इतना बड़ा अचीवमेंट अचीव किया, क्योंकि 48 आवर्स रेगुलर पढ़ाना इज़ नॉट दैट ईजी, और सर ने वो किया. लाइक
पूरा डिटरमाइन उन पूरे डिटरमाइन थे कि हाँ वो करना ही है, और बहुत अच्छा लगा था ये होने के बाद। हम लोग खुद रात वाले सेशन में थे तो हम लोग को रात भर क्लासेस करना था, तो लाइक सर जब पढ़ा रहे थे, बहुत सारे क्लासेस में ऐसा होता है कि लाइक रेगुलर पढ़ना इज़ नॉट ईजी, मतलब सर पढ़ा तो रहे थे बट इतना रेगुलर पढ़ना इज़ नॉट, उतना ईजी नहीं होता है, बट क्लास इतना इंटरेस्टिंग था, मतलब सर ने उस क्लास को इतना ज़्यादा लाइक इतना अच्छा बनाया, इतने अच्छे से पढ़ाया हम लोगों को कि लाइक बहुत अच्छा लगा हम लोगों को क्लास में भी, और सर से बहुत अच्छा इंस्पिरेशन भी मिला हम लोग को कि लाइक अगर हम लोग किसी काम को फुल डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम लोग करें तो हम लोग सक्सेस पक्का से अचीव करेंगे, क्योंकि सर ने किया वो करके दिखाया, लाइक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके इन्होंने दिखाया, तो वी वर रियली प्राउड ऑफ हिम। भूमि आपको कैसा लगा जब सर ने ये किया? जब सर ने ये किया बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं, मीन्स सारे टीचर सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस स्कूल के लिए भी और इस देश के लिए भी। जो भी सर ने किया वो इतना इजी नहीं था किसी के लिए भी, वो सो सकते पर, लेकिन जैसा सब टीचर्स ने कहा, सर के कलीग्स ने कहा कि लाइक प्री प्लान था सारे कुछ, बहुत सिस्टमेटिक वे में चल रहा था, तो उतना कोई को दिक्कत नहीं, और क्लास इंटरेस्टिंग था, सर का डिटरमिनेशन, सर जिस तरह से पढ़ा रहे थे उनको देख के सब स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आना एंड टीचर्स में कॉन्फिडेंस आना इज़ वेरी गुड, सो वी रियली प्राउड ऑफ सर। सर आपको जिन लोगों ने साथ दिया ऐसे तो आपने डेफिनेटली उन्हें थैंक्स कहा ही होगा, आज कैमरे पे जो वीडियो देख रहे हो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या अपने साथियों को आप? मैं इस रांची अपडेट्स के मंच से अपने सभी शिक्षकों का जिन्होंने मेरा साथ दिया, सारे स्टूडेंट्स जो इस क्लास के थे मेम्बर्स, उनके अभिभावक क्योंकि उन लोगों ने उन्हें परमिशन दिया था क्लास में अटेंड करने के लिए, अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, फादर प्रिंसिपल, फादर वाइस प्रिंसिपल, स्कूल के चेयरमैन फादर अजीत, और सभी मीडिया के लोगों का, और जितने भी विटनेसेस, स्पेशल विटनेसेस और टाइम कीपर्स जो भी इस मुहिम में मेरे साथ थे, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो अगर मैंने ये अचीव किया है तो इसके लिए मैं सभी लोगों का थैंक यू कहना चाहता हूं, सभी स्टूडेंट्स और सभी जितने भी मेरे टीचर्स कलीग साथ में हैं, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहता हूं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संतोष सर और उनके कलीग्स जिन्होंने संतोष सर को गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने में मदद किया, उनके उस मिशन में वो थ्रू आउट उनके साथ खड़े रहे और उनको उस रिकॉर्ड को हासिल करने में उनको एक पॉजिटिव वाइब्स दिया। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपके साथ भी कोई, आपके पास भी कोई ऐसा है जो कुछ अलग करना चाहता है तो उसका मजाक ना उड़ाएं बल्कि उसका साथ दें, शायद उनका एक कदम हमारे राज्य झारखंड और हमारे देश भारत का नाम ऊंचा कर दे। धन्यवाद।